एग्रीगेंस मैं भी नागौर एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, एक धांसू FIR। बिल्कुल दोस्तों, सेंट्रल में दोस्तों एग्रीकल्चर की पोस्ट पे पोस्ट आई जा रही है दोस्तों। एक और पोस्ट दोस्तों आपके सामने है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI की वैकेंसी दोस्तों निकली है दोस्तों। इसमें आप जो बता दूँ पूरी डिटेल दोस्तों, वैकेंसी कब से कब तक निकलना है, इसका सिलेबस शेड्यूल क्या है, सिलेबस क्या है और एग्जाम कैसे होनी है दोस्तों। आपको बता दूँ एग्जाम थोड़ी सी टफ हो रही है इसकी, हर लैंग्वेज लेवल इसके ज़्यादा हैं, फिर भी आपको बताता हूँ पोस्ट कितने निकले दोस्तों। इसमें निकली दोस्तों 700+ वैकेंसी दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं इसको वीडियो को, आपको अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं FIR पाने के लिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है शुरू करते हैं। जो इसमें निकली है अपने एग्रीकल्चर की अगर बात करें जाए तो एग्रीकल्चर की वैकेंसी दोस्तों नॉर्थ जोन, नॉर्थ जोन में जैसे अब वैकेंसी आपको डिटेल बता दें कौन कौन सी वैकेंसी, उसके बाद पूरी प्रोसेस आपको बताता हूँ आगे कि कैसे क्या अप्लाई करना है, किस किस में अपन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अपन अप्लाई कर पाएंगे AG3, ये जो आपको दिख रही है असिस्टेंट जनरल के लिए दोस्तों, एच वैकेंसी जो एच है, एच वाले भी अपन अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। इसमें अगर नॉर्थ जोन की बात की जाए तो नॉर्थ जोन में आपके लिए दोस्तों 286 वैकेंसी निकली दोस्तों, 286 वैकेंसी है नॉर्थ जोन के लिए, जिसमें से 286 वैकेंसी टोटल है दोस्तों, जिसमें से SC के लिए 60 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए दोस्तों देखी जाए तो अनरिजर्व के लिए दोस्तों 286 में 17 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 60 SC के लिए है, 22 ST के लिए है और जो 29 वैकेंसी दोस्तों वो है अपने EWS कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे देखते रहिए। नॉर्थ जोन की बात हो गई दोस्तों, अब अपन बात करते हैं दोस्तों ये साउथ जोन की। अगर साउथ जोन में जोन वाइज वैकेंसी दोस्तों, अगर साउथ जोन में अगर आपको अप्लाई करना है तो इसमें भी दोस्तों यही पैटर्न है। इसमें टोटल 54 वैकेंसी निकली दोस्तों साउथ जोन में, टेक्निकल देख सकते हैं AG3 असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की। एज कैटेगरी दोस्तों देखना है आपको, एज कैटेगरी में आपको 54 वैकेंसी दिख रही होगी दोस्तों, ये 54 वैकेंसी है 54। इसके बाद में ईस्ट जोन की बात कर दी जाए तो ईस्ट जोन में दोस्तों, फिर ईस्ट जोन में बना बात है तो इनकी दोस्तों एज लिमिट भी लिखी हुई है AG3 टेक्निकल एज की वैकेंसी देखी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों इसमें है ईस्ट जोन में, 224 वैकेंसी दोस्तों, 224 वैकेंसी। इसकी एज मैक्सिमम 27 ईयर है दोस्तों, 27 ईयर आपकी एज होना चाहिए। इसके बाद में वेस्ट जोन की अगर बात कर ली जाए तो वेस्ट जोन में हम वैकेंसी देखते हैं तो वेस्ट जोन में आपकी निकली है दोस्तों 153 वैकेंसी, 153 वैकेंसी है, इसकी भी 27 ईयर एज चाहिए दोस्तों मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले आते हैं वेस्ट जोन के बाद अपना नॉर्थ ईस्ट जोन। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जोन जो एरिया आएगा, नॉर्थ ईस्ट जोन इसमें अपनी AG3 की वैकेंसी अगर देखी जाए, AG3 टेक्निकल एच कैटेगरी की, तो इसमें ओनली 3 वैकेंसी, सबसे कम वैकेंसी है नॉर्थ ईस्ट जोन में, 3 वैकेंसी है ओनली। अब 3 वैकेंसी में से भी एक अपने जनरल के लिए है, एक SC के लिए और एक OBC के लिए है दोस्तों। यह है अगला अपन आ जाते हैं, अब बात की जाए शेड्यूल की और सब कुछ की, तो इसमें अपन देखते हैं टोटल नंबर वैकेंसी में वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेंसेस ऑफ FAI। EWS सर्टिफिकेट दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट लगना है, जो EWS वैकेंसी को उठाना चाहता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल वाले, तो उसके EWS सर्टिफिकेट लगे, सर्टिफिकेट भी इसमें नीचे दिया हुआ है। बात की जाए नीचे तो ये फिजिकल हैंडीकेप के बारे में दिया, उसके बारे में ना देखते हम सीधे आते हैं। तो अब हम सीधे आते हैं दोस्तों कि एलिजिबल क्वालिटी दोस्तों किसके लिए क्या चाहिए। अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर से बनना चाहते हैं, आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, जूनियर इलेक्ट्रिकल स्टेनोग्रेट सेकंड इसमें ग्रेजुएट चाहिए ओ लेवल से, और ये AG3 हिंदी, AG2 हिंदी, इसके लिए दोस्तों डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज, ये भी अपने काम का नहीं है। अपने बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में अगर हम नीचे आते हैं तो एग्रीकल्चर में दोस्तों ये AG3 टेक्निकल एच, तो इसके लिए अपने को दोस्तों लग रहा है आपको या तो BSc एग्रीकल्चर चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर BSc विथ एनी फॉलोइंग सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आपका या तो बॉटनी से है, जूलॉजी से है, बायोटेक्नोलॉजी से है, बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, फूड साइंस से अगर आपका है टेक्निकल, तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं AG3 टेक्निकल एच पोस्ट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते दोस्तों एक कैंडिडेट कैन अप्लाई इन, देखिए दोस्तों एक रूल दिया हुआ है, कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली। अगर आप कैंडिडेट आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप केवल वन जोन में अप्लाई कर सकते हैं, इधर नॉर्थ जोन और साउथ जोन और ईस्ट जोन और वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन, मतलब ये चार जोन में जो वैकेंसी दोस्तों, इनमें से आप किसी एक जोन में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, एक से ज़्यादा जोन में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में देख अगला पढ़ते हैं दोस्तों नोट में, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड ABCDE। दोस्तों इनमें से भी आप सिर्फ एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने इसके लिए भी कर दिया, इसके लिए भी कर दिया दोस्तों। आपको सिर्फ जैसे आप एग्रीकल्चर वाले हैं सिर्फ एच के लिए करेंगे, और जिसके लिए भी करना है तो एच पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे।
ठीक है दोस्तों, FCI की वैकेंसी है दोस्तों ऑनलाइन, इसका ऑनलाइन होना, रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में पूरी डिटेल दी दोस्तों, कितनी कितनी छूट मिलनी है, जो हर एग्जाम मिलती है वही छूट इसमें भी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं तो एज की रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं नोट सेकंड। ठीक है दोस्तों, और आगे आते हैं अपने काम की बात, जो है अपने को सबसे ज़्यादा काम की उस पर अपन चलते हैं दोस्तों। इनको सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसकी मैं क्या कह दूँ, अगर अगर डायरेक्ट कहा जाए तो अपने लिए बहुत टफ है एक तरह से ये एग्ज़ाम। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें एक प्री एग्जाम होना है। सिलेक्शन प्रोसेस पैटर्न ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। दोस्तों दो फेज होना है इसमें, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। दोस्तों फेज फर्स्ट में आपको आना है, इंग्लिश आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग आएगा 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आएगा आपका 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसमें टाइम डिवाइड है, इंग्लिश के लिए भी 20 मिनट है, रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट है, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए भी 20 मिनट है। टोटल दोस्तों अपने को मिलना है 1 घंटा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको सॉल्व करना है। इसके बाद दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, इसका नोट पढ़ लीजिए। इन द फेज फर्स्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होना है। इच क्वेश्चन विच कैरी वन, दोस्तों 1/4 वही बैंकिंग वाली, इसमें माइनस मार्किंग होना है, ये दिया गया है। द मार्क ऑप्टेड इन फेज फर्स्ट विल नॉट बी रिकॉन्ग्ड इन फाइनल मेरिट रैंकिंग। इनसे फाइनल मेरिट रैंकिंग नहीं दोस्तों, ये सिर्फ आपको फेज सेकंड में इंटर करने के लिए है। अब फेज सेकंड की बात करते हैं दोस्तों, तो फेज सेकंड का एग्जाम दोस्तों अगर अपन एज कैटेगरी की बात करते हैं तो फेज सेकंड के एग्जाम में दोस्तों एज कैटेगरी के लिए 2 पेपर एग्जाम होगा। इसमें 2 पेपर होंगे दोस्तों, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। ये अपना दिया हुआ AG3 टेक्निकल, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एनी वन पोस्ट कोड ABCDNH अप्लाई विन फॉलोड बाय पेपर सेकंड। पेपर सेकंड होना है और पेपर फर्स्ट होना है। अब बात की जाए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आना क्या है दोस्तों, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देख लिया जाए दोस्तों। तो जो आपका पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट में आएंगे आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल कैरी इक्वल 1 मार्क्स। दोस्तों एक एक नंबर के 120 क्वेश्चन आएंगे। और पेपर जो आपका सेकंड होगा, सेकंड पेपर में स्पेसिफिक पेपर सेकंड जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं ए पार्ट और बी पार्ट होगा, बी पार्ट में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 नंबर का एक रहेगा, इसके प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अब आगे बढ़ा जाए, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली दोस्तों सेम। इसके बाद में दोस्तों देखो पेपर फर्स्ट में जो आपका आना है वही एक तरह से जो प्री में आया था उससे थोड़ा डबल हो जाएगा ये। तो जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड काउंसलिंग, रीजनिंग जनरल रीजनिंग आएगी दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज आना है, मल्टी कंप्यूटर आना है आपको, जनरल अवेयरनेस आना है, करंट इवेंट्स आना है, डाटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी डाटा फॉर द पोस्ट कोड ए जूनियर बी, ये मतलब एज कैटेगरी की जो अपनी पोस्ट है इसके लिए ये चीज़ आना है। पेपर फर्स्ट में ए पार्ट इसको अपन बोल सकते हैं, ए पार्ट। इसके बाद में अपन चलते हैं बी पार्ट में। दोस्तों बी पार्ट में क्या आना है, तो बी पार्ट में दोस्तों आपका आना है, ड्यूरेशन इसमें 60 मिनट रहेगी। और 60 मिनट में दोस्तों आपको क्या आना है ये आप देख लीजिए, 60 मिनट में आपको आएगा ये वाली लाइन, अगर हम पढ़ते हैं 60 क्वेश्चन चॉइस एग्रीकल्चर बॉटनी एंड जूलॉजी। या तो आप एग्रीकल्चर के साथ आपको बॉटनी या जूलॉजी चुनना है, और या फिर आपको एग्रीकल्चर के साथ में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स चुनना है ग्रुप बी। इन दोनों में से आप एक भी कोई चुन सकते हैं, उसमें एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हुई पेपर सेकंड की बात। ठीक है दोस्तों, अब आपकी बात करी जाए इसकी सिलेबस की। दोस्तों सिलेबस दोस्तों एक तरह से आपको लग रहा होगा पेपर कितना टफ है, पेपर फर्स्ट और सेकंड में एग्रीकल्चर के साथ बायो और केमिस्ट्री भी 60 क्वेश्चन में आने वाली दोस्तों, 2 क्वेश्चन का 1 नंबर है, एक क्वेश्चन के 2 नंबर है दोस्तों। बात की जाए असिस्टेंट ग्रेड थर्ड एच कैटेगरी की, तो एच ए पोस्ट कोड एच में अपन देखते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए स्टैटिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की स्टैटिक आपको पता करना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितना प्रोडक्शन किसका है, पूरी स्टैटिक्स पता होना चाहिए, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी पता होना चाहिए, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मेनली ये आना है। और बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी, टिश्यू ऑर्गन, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, बेसिक्स ऑफ फोटोबायोकेमिस्ट्री, ये सब का आना है। और जूलॉजी में भी दोस्तों ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, अगर आप एग्रीकल्चर साथ केमिस्ट्री फिजिक्स चुनते हैं तो आपको ये पेपर देना है दोस्तों। ये हुई द एबव सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग द 2 कैटेगरी। आपका 2 कैटेगरी रहेगी, ग्रुप ए में एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी और ग्रुप बी में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं तो पेपर थर्ड और फोर्थ ये अपने लिए नहीं है एग्रीकल्चर वालों के लिए। अब बात की जाए एग्जाम डेट वगैरह की, तो हम आगे देखते हैं एग्जाम डेट वगैरह इसमें क्या आना है दोस्तों। आगे चलते हैं अपन, कब से कब तक फॉर्म फिलअप होना है पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें स्किल टेस्ट वगैरह होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसका जो कॉल लेटर है दोस्तों,
15 डेज प्रीओर एडमिट कार्ड दोस्तों 15 डेज पहले आएगा। इसके एडमिट कार्ड की भी एग्जाम की डेट घोषित नहीं की है, पर मार्च अप्रैल मई की संभावित तिथि दी है और 15 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपको भी आगे पता चलेगा कि कैसे इसका कब एग्जाम डेट दी है। 22 डेट दी हुई है दोस्तों एग्जाम डेट की। आगे हम बढ़ते रहे, आगे आपको मिलेगी डिटेल पूरी। हाँ, इसके आप सेंटर की बात कर लीजिए, सेंटर कहाँ कहाँ है दोस्तों, तो अब एमपी का मैं आपको खासकर बता जाता हूँ। तो एमपी में आपको सेंटर मिलना है मध्य प्रदेश में, दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सेंटर आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको मिलना है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, ये 7 सेंटर हैं दोस्तों अपने पास एमपी के लिए। बाकी सेंटर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग दिए हुए दोस्तों, बहुत सारे सेंटर हैं इसके, ठीक है। और द स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज सेकंड, दोस्तों फेज सेकंड के लिए मध्य प्रदेश में ओनली भोपाल सेंटर मिलेगा आपको, ठीक है, ओनली भोपाल सेंटर है मध्य इसके लिए। अब आगे बढ़े दोस्तों, फुल आईबीपीएस पैटर्न पर ही एग्जाम है एक तरह समझे, आईबीपीएस से भी टफ एग्जाम लग रहा है अभी तक देख के तो, पर दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, अब इस तैयारी में लग जाएंगे तो बहुत टाइम है अपने पास। इसके फॉर्म की डेट मैं आपको बता देता हूँ कब से होना है दोस्तों, 23 फरवरी के आसपास इसके फॉर्म भरना चालू होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इस जोन की डिटेल दी है कि किस जोन में क्या क्या आ रहा है, नॉर्थ जोन में कौन कौन सी सिटियाँ आएंगी, साउथ जोन में कौन कौन से स्टेट आएंगे, और ईस्ट जोन में कौन कौन से स्टेट आएंगे, और वेस्ट जोन में कौन कौन से स्टेट, नॉर्थ ईस्ट जोन में कौन कौन से स्टेट, ये सारे स्टेट दिए हुए हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इसकी एग्जाम डेट बहुत ही नीचे दी हुई है। हाँ दोस्तों, ये आ गया आपका प्रोसेस, एग्जाम प्रोसेस, तो आपके कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन है 23 फरवरी 2019 से दोस्तों अप्लाई होना चालू हो जाएगा सुबह 10 बजे से, तो 25 मार्च 2019 24 आवर्स मतलब रात के 12 बजे तक ये अप्लाई होना है दोस्तों। तो ये फुल आप देख सकते हैं, तो 1 महीने तक इसका टाइम दिया हुआ है, 1 महीने तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फोटो वगैरह की सिग्नेचर दी है आपको, क्या क्या लगाना है कैसे क्या, और आपको ये एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों FCI अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, FCI पे। और आगे हम बात करते हैं एग्जाम की टेंटेटिव शेड्यूल की, तो शेड्यूल आपको बता देते हैं दोस्तों। शेड्यूल है इसका, इसका शेड्यूल की ओर हम बढ़ते हैं, तो शेड्यूल इसका पूरा रीजनेस दिया हुआ है दोस्तों। इसका शेड्यूल दोस्तों टेंटेटिव शेड्यूल जो दिया हुआ है, आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 23 फरवरी, लास्ट डेट 25 मार्च है, और अवेलेबिलिटी एडमिट कार्ड तो 15 दिन, अनाउंस डेट ऑफ एग्जामिनेशन और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट दोस्तों मार्च अप्रैल मई 2019 में कभी भी हो सकती है दोस्तों। इसका कोई कंफर्म शेड्यूल नहीं दिया है, मार्च अप्रैल इसमें कभी भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। ये पूरा था, इसके बाद में नीचे SC ST का पूरा दिया है। ये आपको PDF अगर चाहिए तो FCI से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसमें लिंक दे दूंगा आपको, वेबसाइट पे आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों, FCI की आप पूरी जानकारी और डिटेल आपको चाहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।